नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात फौजी के घर दबंग लोगों ने जेसीबी से गिराया था घर के पीछे का कमरा। फौजी के घर का शटर तोड़ दबंगों ने लाखों का सामान किया था खुलेआम पार। न्याय न मिलने पे फौजी अजय कुमार ने एसपी से लगाई थी गुहार। एडिशनल ने जांच के लिए दिए आदेश। वहीं पर किराए पर रह रहे स्कूली बच्चों को दबंग लोग पुलिस का सहारा लेकर धमकाने में लगे। क्यों नहीं मिल रहा फौजी को न्याय? ये पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 7 का है, जहां पर आर्मी में ड्यूटी के दौरान अजय कुमार का मकान दबंगों द्वारा गन असलाहा लेकर जेसीबी मशीन से घर गिराकर लूटपाट की गई थी। वहीं पर मौजूद स्कूली बच्चों को वीडियो बनाना पड़ा महंगा। इसकी जानकारी दबंगों को मिलते ही दबंग पहलवान उर्फ सुरेश कुमार यादव, धीरेन्द्र उर्फ जितेंद्र यादव, रामशंकर कुशवाहा, जेसीबी मालिक सहित कई लोग पुलिस की मदद से बच्चों को धमकाने में लगे हैं। फौजी अजय कुमार को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। फौजी की छुट्टी होने वाली है खत्म, पर नहीं मिला अभी तक न्याय। दबंग लोग घूम रहे हैं आराम से। फौजी को देश की ये हालात देख बहुत ही रोना आया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। नाम है आपका और कहां के निवासी हैं? मेरा नाम है अजय कुमार सिंह यादव, निवासी अकबरपुर कानपुर देहात। जानकारी मिली है कुछ दबंगों द्वारा आपका घर गिरा दिया गया है, क्या है पूरा मामला? यस, मेरा मकान जो है बना था सन 2011 में, मैंने निर्माण किया था, तो कुछ दबंगों ने मिल के मेरा मकान को पीछे का हिस्सा पूरा ध्वस्त कर दिया है। थाने गए थे आप? हाँ, मैं थाने गया था, लेकिन थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि दबंग जो है काफ़ी प्रबल है और पैसे वाले हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी कहाँ एसपी ऑफिस आए हैं? मैं अभी एसपी ऑफिस आया हूँ, कई बार आ चुका हूँ, फिर भी हमारे एसपी साहब ने बहुत हेल्प किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन पुलिस ने हमारा कोई हेल्प नहीं किया। उन्होंने जो भी धारा लगाई वो बिल्कुल नॉर्मल लगाई गई है, और दबंग जो है अभी भी हमें धमकी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? वो हम ये चाहते हैं कि ये धाराएं चेंज की जाएं, क्योंकि हमारे घर में ये लोग राइफल कट्टे लेके लूटपाट हुई है, ना कि ये चोरी हुई है। ये लूटपाट ना दिखा करके पुलिस उसको चोरी बता रही है। तो मैंने 27 साल सर्विस में पूरा पैसा उस मकान में लगा दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं। अभी पूरे पैसा को इन्होंने जो है हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, सब लूट के ले गए। मैं मकान रिपेयर के लिए जितना रखा था सामान वो सब लूट के ले गए, आज हमारे पास कुछ नहीं। सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा मकान किस बेस पे गिराया, जब इनकी जगह नहीं थी, पीछे कुछ भी नहीं था, फिर क्यों गिराया है? अगर गिराना ही था तो एसडीएम डीएम के आदेश पे गिरना था, यदि मैं गलत था तो। ये हमारा पुराना कब्जा था और मैं उस पर निर्माण किया था सन 2011 में और रह भी रहा था, लेकिन मैं कुछ कारणवश अपनी फैमिली को अपने साथ ले गया था जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आर्मी ड्यूटी में। सरकार और प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हो? सरकार पे और प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। पुलिस जो है बिल्कुल बेवकूफ़ बना रही है हमें। इसका जेसीबी द्वारा दबंग घर गिरा दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये थाना अकबरपुर क्षेत्र में कस्बे के अंदर एक फौजी ने एक जमीन खरीदी थी और उस पर उसने बाउंड्री बनाई थी, उस बाउंड्री को जो जिनसे खरीदा था उन्होंने तोड़ दिया है। इस बारे में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और FIR दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान कुछ बातें प्रकाश में आई हैं, जिसमें जो आरोपी हैं उन्होंने बताया और जो है जिनका मकान गिरा है, मकान क्या वो बाउंड्री वाल है, तो बाउंड्री वाल जैसे जैसे गिराई गई क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बना लिया था। इस बात को फौजी ने स्वीकार भी किया है कि जितना मैंने परचेज किया था उसे थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, लेकिन उन्होंने गैरकानूनी तरीके से गिराया है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना के बाद आगे भी कार्रवाई की जाएगी।